फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। जैसा कि अभी हमारा चल रहा है मास्किंग ट्यूटोरियल, तो मास्किंग के आज के इस एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ग्रेडियंट मास्क क्या होता है, ग्रेडियंट मास्क का यूज़ कैसे करेंगे और इसका यूजेस क्या क्या होता है फोटोशॉप में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे चैनल सबके सबको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करें इस बटन को और क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाले जो भी ट्यूटोरियल्स हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए सीखते हैं फोटोशॉप में ये ग्रेडियंट मास्क क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये बता दूँ कि ग्रेडियंट मास्क तभी काम करेगा जब आप किसी बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट डालना चाहते हो। जैसे ये मेरा एक बैकग्राउंड है या एक कोई इमेज है, इसके ऊपर मैं ग्रेडियंट का यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास भी कुछ इमेजेस हो या कुछ ऐसा बैकग्राउंड हो, कुछ स्लाइडर, बैनर, कहीं पे कुछ भी हो, उसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रेडियंट मास्क का यूज़ करूँ तो आप उसके ऊपर ग्रेडियंट मास्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी ग्रेडियंट मास्क जो होता है वो आपके ओरिजिनल इमेज यानी कि जो आपकी मेन इमेज है उसको ख़राब नहीं करता है, बल्कि एक अलग लेयर बनाता है, उस पर ये सब सारी चीज़ें काम करता है। तो ग्रेडियंट मास्क का यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए आप लेयर पैनल में ही, यहाँ पे लेयर पैनल में ये एक जो एडजस्टमेंट लेयर है इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो सॉलिड कलर के जस्ट नीचे एक ग्रेडियंट का ऑप्शन आता है। इस ग्रेडियंट पे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे एक देखिए अलग से यहाँ पे ग्रेडियंट के साथ एक लेयर मास्क भी आ गया है। तो यानी कि इस ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद अलग से लेयर मास्क ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप टूल बार में ये ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं तो ये एक ब्रश की तरह काम करता है, जो आपके इमेज के ऊपर ही वो ग्रेडियंट आ जाता है या उसके ऊपर एक लेयर लेके करते हैं तो वो एक अलग लेयर बनता है, लेकिन मास्क नहीं होता है उसमें। यहाँ पे मास्क होता है साथ में। अब ये जो ग्रेडियंट आ गया है, इस ग्रेडियंट की अलग अलग सेटिंग्स हम लोग करेंगे। सबसे पहली सेटिंग ये है कि ये जो ग्रेडियंट है इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करते के साथ इस तरह का एक अलग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको क्या करना है कि कौन से ग्रेडियंट फिल करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अगर ग्रेडियंट फिल करना चाहूँ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, अगर ब्लैक एंड वाइट फिल करना चाहूँ तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अभी आगे समझ में आ जाएगा। ये मैंने फिल कर लिया। अब इसके बाद ये जो वाइट कलर दिख रहा है इस पर डबल क्लिक करके इधर भी आप ब्लैक ही फिल कर लें। इस तरफ भी मैंने ब्लैक फिल कर लिया और इसे ओके कर लें। अब उसके बाद इसमें कोई भी चीज़ अभी कुछ ना करें, आप जैसे हैं वैसे ही रहने दें आप और ओके कर लें, ठीक है। अब ये मेरा थंबनेल ये एक्टिव है, ये थंबनेल एक्टिव नहीं है, इस थंबनेल को एक्टिव करें। इस थंबनेल को एक्टिव कर लेने के बाद यहाँ से अब इस ग्रेडियंट का यूज़ करें। ये ग्रेडियंट हमने लिया, इस ग्रेडियंट को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आप सिंगल ये वाला ग्रेडियंट आपको रखना है, वन साइड ट्रांसपेरेंट का, ये ट्रांसपेरेंट आप सेलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे होगा, किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने रेडियल ग्रेडियंट यूज़ किया है इसको, और उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी आप 100% भी रख सकते हैं, 75% कुछ भी आप रख सकते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे 100% ओपेसिटी रखा और ग्रेडियंट टूल लिया, यहाँ से हमने जो यूज़ किया था वो रेडियल ग्रेडियंट है। अब इस रेडियल ग्रेडियंट में रहते हुए यहाँ से सिर्फ मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ऐसे सिर्फ क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है। यानी कि ये जो कलर फिल किया हुआ था ये कलर हट जाएगा और यहाँ पे ब्लैक फिल हो जाएगा। ध्यान रहे कि यहाँ पे वाइट मेरा ग्रेडियंट का जो लेयर है यानी मास्क जो है यहाँ पे वाइट है, तो यहाँ पे ब्लैक रखेंगे। अगर यहाँ पे ब्लैक होता तो यहाँ पे मैं वाइट ऊपर कर देता, क्योंकि यहाँ पे वाइट है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक रखेंगे। ये ब्लैक रखेंगे, इस पर फिल करेंगे तो मेरा नीचे वाला लेयर ओपन हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से ग्रेडियंट मास्क यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई बात सिर्फ रेडियल ग्रेडियंट की। अगर आप कोई और भी ग्रेडियंट यूज़ करना चाहें, जैसे ये ग्रेडियंट अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो इस तरीके से ग्रेडियंट यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से आप किसी भी एंगल से ग्रेडियंट इसका यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं तो ये भी ग्रेडियंट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एंगल से एक ग्रेडियंट यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इस तरह का ग्रेडियंट यूज करना, आप ये भी ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं ऐसे। तो कैसा लगा ये ट्यूटोरियल हमें कमेंट करके बताएं। अगर इसमें कुछ परेशानी आएगी, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमें वो भी बताएं ताकि मैं उसका भी सॉल्यूशन दूसरे वीडियो में, दूसरे ट्यूटोरियल में क्लियर कर दूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।